नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है और वहीं शादी समारोह का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में सतपुले पुलिस ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एक अनोखा अभियान चलाया है, जिसके तहत पुलिस ने पौड़ी कोटद्वार नेशनल हाईवे पर शादी समारोह में के वाहनों में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जहाँ पर पुलिस द्वारा दूल्हा दुल्हन को मास्क वितरित कर अपील की गई कि वो अपनी शादी समारोह में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शादी में आने वाले सभी मेहमानों से मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए के लिए जागरूक करें और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग लगातार जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग अभी वाहन चेकिंग के दौरान भी, जो अभी चूंकि बारात का सीजन चल रहा है, ऐसे में हम लोग जो आ जा रहे बारात की गाड़ियां हैं उनमें भी जो दूल्हा दुल्हन बैठी हैं उन लोगों के माध्यम से भी कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जा सके, उसके लिए उनको भी जन जागरूक कर रहे हैं और उनसे हम लोग अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग भी अपनी शादियों में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूक करें। चूँकि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है और उत्तराखंड सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना से बचाव के लिए, उसका हम सभी लोग पालन करें, जिससे कोरोना से बचा जा सके। नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मोर्चा खोल रखा है। आपको बता दें, जब से रुड़की क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा आए हैं, तब से नकली दवाई बनाने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। नकली दवाई बनाने वाले और नकली दवाई बेचने वालों पर लगातार छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना मिली थी कि भगवानपुर इंडस्ट्रीज अल्ट्रानेट नाम की एक कंपनी है, जो कि फूड के लाइसेंस पर चल रही है और इस कंपनी में नकली दवाई बनाए जाने का काम किया जाता है। सूचना भगवानपुर थाने से मिली थी, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे और चलती कंपनी पर छापा मार कर कार्रवाई करते हुए सभी नकली दवाइयां बरामद की, जिसके बाद काफी देर तक उनकी कार्रवाई चलती रही और कंपनी चालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। हमको आज सुबह जो है भगवानपुर थाने से फोन आया था और सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पे लिकेश्वरी में कोई दवा कंपनी है, जिसमें नकली दवाएं जो है निर्मित हो रही हैं, विक्रय के लिए बेची जा रही हैं। तो हम मौके पे आए हैं, लेकिन ये दवा कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दवाइयाँ बन रही थी, नकली दवाइयाँ बन रही थी और हमने जो दवाइयाँ बरामद हुई हैं उनको सील मोहर कर लिया है। अग्रिम कार्रवाई के लिए भगवानपुर थाने की ओर प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर में। हाँ, पहले इसी भवन में हम बोलेंगे, इसी भवन में पहले एक कंपनी संचालित हो रही थी, जिस पर कार्रवाई विभाग द्वारा की जा चुकी है, पूर्व में ही की जा चुकी है, अभियुक्तों के खिलाफ जो कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन अभी ये जो अभियुक्त हम आज जो मौके पर मिले हैं, ये अभियुक्त अलग हैं उनसे, और यहाँ पे ये दवाइयाँ जो बरामद हुई हैं ये हायर एंटीबायोटिक्स हैं, तो ये हमने अपने कब्जे में ले लिया, अभी इनको पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। हरिद्वार महाकुंभ मेले के 3 शाही स्नान सकुशल संपन्न हो गए हैं। कुंभ मेला प्रशासन के साथ ही जिले के अन्य कई विभागों ने कुंभ को सफल बनाने के आयोजन के लिए मिलकर काम किया है। हरिद्वार वन विभाग ने भी कुंभ को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन विभाग ने मेला शुरू होने से 1 महीने पहले व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी थी। हरिद्वार के DFO नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुंभ मेले की शुरुआत होते ही कुंभ क्षेत्र में जंगली हाथी घुस आने की घटना ने चुनौती खड़ी कर दी थी। दोनों घटनाओं के बाद संसाधनों के साथ ही वन कर्मियों की संख्या बढ़ाकर रात को जंगल गश्त में तेजी लाई गई। कुंभ मेला क्षेत्र में स्थित साधु संतों की छावनी के आसपास 16 फेंसिंग, सुरक्षा दीवार, सुरक्षा खाई, 8 चौकियां, 5 वॉच टावर और 40 टीमें लगाई गई। दिन और रात को इन टीमों ने जंगल में घुसकर सघन गश्त की, जिसकी नतीजा है कि उन दो घटनाओं के बाद एक भी घटना जंगली जानवर आने से नहीं घटी। कुंभ क्षेत्र में किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को वन्य जीवों से कोई क्षति न हो और साथ में हमारे वन्य जीव भी सुरक्षित रहें, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की और सरकार को अपने एक परियोजना प्रस्तुत की थी, जिसपे कि हमें धनराशि मिली और उस धनराशि से हम लोगों ने सर्वप्रथम पहले चरण में कुछ प्रिवेंटिव वर्क्स यानी निरोधात्मक उपाय किए, जिससे कि वन्य जीव उन क्षेत्रों में, कुंभ क्षेत्रों में और इसके समीपस्थ जहाँ पे ट्रांसपोर्ट यानी आवागमन बहुत ज़्यादा था श्रद्धालुओं का, वहाँ पे प्रवेश न कर सकें। तो इसमें हमने सोलर फेंसिंग किया था काफ़ी बड़े कुंभ क्षेत्र में, काफ़ी बड़े क्षेत्र में। इसके साथ ही हमने दीवारें बनाई थी और तार के जाल बनाए थे, गैबियन संरचना, और जो हमारे कैंपिंग साइट्स थे जहाँ पे कि हमारे साधु संतों के और लोगों के जो कैंप्स थे पुलिस वालों के, वहाँ पर हमने कुछ सुरक्षा खाइयाँ खोदी थी। इसके सिवा इनके मूवमेंट्स की लगातार निगरानी के लिए
जिससे कि कहीं भी हमें वन्य जीव अगर आ रहे हैं, कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको दिखाई दे जाएं और तदनुसार हम कार्रवाई कर सकें। हमने 8 चौकियां और 5 वाच टावर बनाए थे, और जैसे ही कुंभ शुरू हुआ तो उससे लगभग 1 माह पूर्व से हम लोगों ने इन चौकियों पर, वाच टावरों पर और विभिन्न और जो भी स्थान हमारे संवेदनशील थे उनको चिन्हित करके उस पर अपनी टीमों की तैनाती पूरे रात के समय और दिन के समय वो वहीं पर निरंतर हाल्ट करते थे, ये सुनिश्चित कर दिया था। तो आज उसका परिणाम हमें ये देखने को मिला कि एक टीम लगभग हमने इस तरह से पूरे कुंभ क्षेत्र में 40 टीमें तैनात की थी, जिसमें कि पूरा कुंभ क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्र सम्मिलित थे जहाँ की वाहनों का, श्रद्धालुओं का आवागमन था। और इन 40 टीमों में प्रत्येक टीम में 6 से 7 आदमी थे। सारी की सारी टीमें वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और एक हमारा यहाँ कंट्रोल रूम था हमारे हरिद्वार वन प्रभाग में, जिससे ये सारी टीमें हमारी कंट्रोल रूम से भी जुड़ी रहती थी। कोई भी सूचना प्राप्त हुई तदनुसार कार्यवाही करते थे। इनको हमने वाहन उपलब्ध कराए थे और जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उपकरण वन्य जीवों को नियंत्रित करने के लिए, वो भी इनके पास थे। कुंभ मेले की वजह से 3 दिन तक डाइवर्ट किए गए रूट को अब मेला प्रशासन ने खोल दिया है। दिल्ली जाने वाले यात्री वाया हरिद्वार आसानी से अब जा सकेंगे। रोडवेज की बसें भी वाया हरिद्वार दिल्ली के लिए जाने शुरू हो गई हैं। इससे यहां यात्रियों का समय बचेगा, वहीं अधिक किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ऋषिकेश डिपो के वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हरेंद्र कुमार ने बताया कि 12 तारीख से दिल्ली जाने वाली सारी बसें अन्य रूट से घूमकर दिल्ली जा रही थी, जिससे यात्रियों को समय और धन दोनों की ही हानि झेलनी पड़ रही थी। रूट खुलने से बस अब हरिद्वार की ओर से भेजनी शुरू कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की के यात्रियों को भी आगमन में आसानी हो गई है। जो यात्री को बेचारे को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, पैसा भी फालतू लग रहा था और समय भी ज़्यादा लग रहा था, अब ये सीधा रास्ता खुलने के कारण हमारी गाड़ियाँ सीधी दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और जिस रूट पर जा रही हैं वो सब सीधी जा रही हैं। इससे जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और यात्री अपने सुखद मार्ग पर सुखद यात्रा करने के लिए आराम से जा सकते हैं। इससे जो प्रशासन द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे उसके अनुसार पिछले 3 दिन से रास्ता जो क्लोज था वो अब खोल दिया गया है। उस बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है और सवारी अच्छे से आ जा रही हैं, इसको परेशानी नहीं है ये, और यहाँ आराम से आएँ और आराम से जाएँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना मास्क का और इसका प्रयोग करें, 2 गज दूरी का ध्यान में रखते हुए, कोरोना संक्रमित का ध्यान रखते हुए 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, और सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए अपनी यात्रा को सम्पन्न कर सकते हैं आराम से। देश की नामचीन संस्थान IIT रुड़की में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में एक छात्र की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि उक्त छात्र को कोरोना पॉजिटिव छात्र के प्राइमरी कांटेक्ट में आने की वजह से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल छात्र के शव को रुड़की के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। साथ ही छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि उक्त छात्र की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली इंस्पेक्टर राजेश शाह ने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एमटेक के छात्र की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि छात्र 11 अप्रैल से क्वारंटीन सेंटर में रह रहा था। IIT प्रबंधन द्वारा कल शाम को सूचना दी गई है कि उनका एक छात्र जो एमटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बीमार हो रहा था और उसे आइसोलेट किया गया था। उसे तबीयत खराब होने पर सरकारी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित किया गया है। पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया पूछताछ में पता चला है कि IIT में कुछ स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया गया है और ये भी किसी प्राइमरी कॉन्टैक्ट में था किसी के। यद्यपि उनका कहना है कि इसकी RT-PCR रिपोर्ट कोविड की नेगेटिव है, फिर भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसका पंचायतनामा बदलने की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो कार्रवाई होगी उसी हिसाब से की जाएगी। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जिला स्तर पर गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक गुरुवार को पिथौरागढ़ जिला कार्यालय सभाकर में जिलाधिकारी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के संबंध में तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पुनः विशेष सतर्कता के साथ एक्टिव मोड में आने के निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी को विशेष से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस हेतु व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान भी चलाया जाए। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि जिन व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं वो तत्काल अपना RT-PCR जांच करा ले। हम लोगों ने कोविड को लेकर के
जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की है, उसमें जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड के संबंध में, प्रोटोकॉल को पालन के संबंध में, उसको लागू करने के लिए सभी विभागों को एक्टिवेट किया गया है। जैसे अभी तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को ज्ञात है, पिथौरागढ़ में भी हमारे यहाँ अब तक जो है 96 लोग हो चुके हैं इस सेकंड फेज में, जिसमें से 53 लोग अभी भी एक्टिव हैं, उनका इलाज चल रहा है, कुछ होम आइसोलेशन में हैं, कुछ जो है जिला अस्पताल में हैं। और जो आगामी काल है उसको देखते हुए हम लोगों ने तैयारियों के संबंध में आज बैठक की है। कोविड केयर सेंटर हमारा एक्टिवेट हो चुका है और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, उसको मैंने इंस्पेक्शन किया था और इनको बता दिया है, मैं पुनः उसको देखूंगा कि वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं तो नहीं। इसके अलावा भी जो कोविड केयर सेंटर के लिए जो पहले से निर्धारित स्थल थे उनको भी ठीक करने के लिए हमने निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिए हैं। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।